हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो हमारे आईबीपीएस पीओ के प्री एग्जाम में पूछे गए हैं 2017 के। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं अप्रोक्सीमेशन के, तो आपको बस ध्यान लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, देखते हैं। अभी सी फ्रेंड्स, मेरा कितना होता होगा अगर आप ये देखते होंगे, तो इसकी वैल्यूज कितनी दी है, 80.997 ये रूट में है। तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स मानूं तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 81 हो जाएगा। तो इसको मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरा रूट में कितना दिया है, 81 दिया है। और माइनस ये कितना है, रूट ओवर 25.001। तो इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये 25 के आसपास में है, ऑलमोस्ट उतना ही है, ज़्यादा कोई चेंजअप नहीं है। अभी सी इसमें मेरा कितना है, ये कितना है, रूट ओवर 120.98। तो इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये कितना दिया है, 121 दिया है। और इसको हम कितना अज्यूम करेंगे, रूट 16 है। तो अगर आप ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये ब्रैकेट में से, तो रूट 81 का रूट का 81 कितना होता है, 9, और 25 का कितना हो जाएगा, 5, और नेक्स्ट ब्रैकेट से कितना हो जाएगा, 11, और इधर से कितना हो जाएगा, 16 का रूट कितना होता है, 4। तो 9 माइनस 5 विल बी 4 इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 15। और दोनों का एडिशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 15, हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो सी फ्रेंड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी मैं नंबर 2 एग्जांपल लेता हूँ, देखते हैं कि वो क्या आया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया फ्रेंड्स, 53 माइनस 0.1 और -345.0.02 और डिवाइड बाय 22.99 और 2x दिया है। तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, ये मेरा सपोज 53 है और ये 345.02 है, तो इसको हम अप्रोक्स अज्यूम करते हैं 345 डिवीजन, ये 22.99, तो इसको आप 23 ले लो, इज इक्वल्स टू 2x। तो अभी सी फ्रेंड्स, हमारे पास, हमने बहुत पहले पढ़ा भी है बॉडमास, तो बॉडमास के हिसाब से हमारा डिवीजन पहले हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना दिया है मेरे पास, 345 डिवाइड बाय 23। तो अगर आप ये डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, ये मेरा जाएगा 15 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ मेरा 53 एज इट इज हो जाएगा, और 345 डिवाइड बाय 23 तो कितना हो जाएगा, ये 15 इज इक्वल टू 2x। तो 53 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 38 इज 2x, सो x विल बी व्हाट, 19। तो ये अपना इजी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आते हैं, बस हमें ध्यान लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन में हमें पूछा गया था पीओ के प्री एग्जाम्स में, रूट ओवर कितना दिया, 3099.985 डिवाइड 62.001 प्लस 14.001। तो सपोज इसको मैं, सपोज क्या, इसको मुझे एक अज्यूम कर लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेशन है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3100 डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, 62, और ये प्लस हमने इसको 14 किया। अभी बॉड मास के हिसाब से पहले मेरा डिवीजन हो जाएगा। तो 31 कितना है मेरे पास, 3100 डिवाइड बाय 62। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको, इसका कितना मिलेगा मुझे, 3100 अगर मैं डिवाइड 2 से करता हूँ तो मुझे इसका मिल रहा है कितना, 50 मिल रहा है। प्लस इधर से मेरा 14 पहले से ही था, अभी ये कितना हो जाएगा, रूट में है मेरा 64, और रूट 64 यू नो ऑलवेज इज 8। तो सी फ्रेंड्स, कितना इजी है, पहले आप क्वेश्चन देख लें और उसके बाद आप, पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। तो फोर्थ क्वेश्चंस देखते हैं क्या आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था पेपर में, 184.002 -29 डिवाइड बाय 5 इंटू 29.997। तो सी फ्रेंड्स, अगर ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 184 हो गया, माइनस अगर आप 29 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5.999 के ऑलमोस्ट करीब आएगा। तो उसको मैं कितना करता हूँ, सी 5 इंटू 6 विल बी 30, तो 29 के आसपास आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो 6 के करीब होगा, तो मैं इसको 6 अज्यूम कर लेता हूँ। और ये मेरा कितना था, 29.997, इसको हमने 30 ले लिया हुआ है। तो सी 184 माइनस 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 178 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30। और जब भी आप इसका नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, 5340।
तो एक लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के आते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे, आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे आपको कंसेप्ट भी आते जाएंगे। तो अभी मैं नंबर फिफ्थ देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो कितना दिया हुआ है, 111.91 × 51, तो लेट इट बी, इसको मैं अज्यूम करता हूँ 111.91 ये कितना हो जाएगा, 112 इंटू ये 51 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 14.02, तो इसको मैंने 14 लिया है, इज इक्वल टू 11 + x, ये x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये कितना था 11.002, तो उसको मैंने 11 अज्यूम किया हुआ है। तो सी अभी ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये कितना है 112 × 51, और उसका कर लेते हैं 112 × 51, तो कितना हो जाएगा 112, 5 × 2 = 10, 1 कैरी, और 5 × 5 + 1 = 6, और ये 5, तो कितना मिलेगा 217, और ये 5, तो इधर से अपने को मिल गया। एंड सी फ्रेंड्स, ये कितना मिला 5712 डिवाइड बाय 14 इज व्हाट 11 + x मिला मुझे इधर से। एज वी नो 5712 अगर डिवाइड बाय 14 से होगा, तो इसको मैंने कट करके देख लिया है, तो ये कितना मेरा मिलेगा 408 इज इक्वल टू 11 + x, तो x कितना मिल जाएगा 408 - 11, तो 408 - 11 फ्रेंड्स आप बताओ ये और कितना होगा 397। तो सी फ्रेंड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन इजी इजी जो हमें अभी पेपर में पूछे गए हैं प्री के अप्रोक्सीमेशन, ऐसे पेपर में आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक एक नंबर का वेटेज रहता है, तो आप इसको सॉल्व कर लो और भी प्रैक्टिस करो। तो फ्रेंड्स मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू।